द हावर्स प्रोजेक्शन जिसमें हमने रिंग uh, स्ट्रक्चर को ड्रा किया तो उसमें एक चीज़ हमने डिस्कस की दैट वॉज रिगार्डिंग द एल्फा एंड पीटा शुगर्स दूसरा हमने डी और एल शुगर्स एल शुगर्स का एक सिग्निफिकेंस याद रखिएगा नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर्स हैं वो डी शुगर्स होती हैं ठीक है डी शुगर्स और डी शुगर्स की मैंने आपको वो रीज़न बता दी थी कि जब वो कारल uh, कार्बन जो होती है जो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से जो दूर कार्बन होती हैं वहाँ पर अगर ओ OH, एच राइट right साइड पे हो तो वो डी शुगर कहलाती है और अगर लेफ़्ट साइड पे हो तो एल शुगर कहलाती है दूसरे जो एल शुगर्स हैं ये लेबॉट्री मैनुफेक्चर्ड शुगर्स होती है और इनको डिग्रेड करने के लिए हमारे पास बॉडी में नेचुरली एंजाइम नहीं होता हमारे पास जो नेचुरल एंजाइम्स मौजूद हैं दे आर डी एंजाइम्स क्लियर तो वो जो डी शुगर्स होती हैं उनको वो डिग्रेड तो कर सकते हैं लेकिन आम तौर पर एल शुगर्स को डिग्रेड नहीं करते इसीलिए जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए आपने सुना होगा कि Uh, वो आर्टिफिशल उनके लिए बनाई जाती हैं शुगर्स तो वो बेसिकली एल शुगर से ही होती हैं मीन्स द लेबोरेट्री प्रिपेयर्ड शुगर्स और चूँकि वो हमारी बॉडी उनको डिग्रेड नहीं कर सकती हमारे पास वो एंजाइम्स नहीं हैं तो इसलिए ए, इनकी वजह से वो एज सच एक तो फैट्स भी नहीं बनते मजे की बात तो यह है कि इनसे फैट्स फॉर्मेशन भी नहीं होती है चलिए आइए अब मूव करते हैं ओलीगोसेक्राइट्स पे तो ओलीगोसेक्राइट्स द टाइप ऑफ शुगर्स और द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलसिस शील्ड

अगर हम जनरल इनके करेक्टरस्टिक्स की बात करें दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट एज कंपेयर टू द एंड दे आर लेस सॉल्यूबल इन वाटर एज कम्पेयर टू द मोने क्लियर एंड दे हैव सम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एज कम्पेयेड टू द मोनोसेक्राइड्स का सिंपल जो स्ट्रक्चर होता है इसी वजह से तो वो सिंपल शुगर होने के नाते से हमें इंस्टेंट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती हैं अब डे स्टूडेंट्स ओडिगोसेकराइड्स में याद रखना आपने कि इनको हम सब क्लासीफाई करते हैं कि जितने यूनिट्स मोनोसेकराइड के हमें हाइड्रोलिसिस पर मिले वही उसकी क्लास हम उसके साथ ऐड कर देते हैं जैसे कि इसमें हम ये एक फिक्स यूज कर रहे होते हैं दैट इज सेकराइड दैट इज सेकरइड अगर दो मोनोसेकराइड्स मिले हाइड्रोलिसिस पे तो उसे डाई सेक्राइड कहेंगे डाई का मतलब दो अगर तीन मोनोसेक्राइड्स मिले अपॉन हाइड्रोलाइसिस तो उसे कहते हैं दैट ट्राइसेकर मोनोसेक्राइड्स अगर चार मिले तो टेट्रा अगर पांच मिले तो पेंटा अगर छह मोनोसेक्राइड सब यूनिट्स मिले तो हैक्सा सेक्राइड इसी तरह से अप टू टेन सेक्राइड्स क्लियर तो ये इनकी मैक्सिमम इस तरह से हम इसको क्लासीफाई करते हैं अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसेकराइड्स द नंबर ऑफ यूनिट्स द द लेकिन डियर स्टूडेंट्स इन इनकी जो क्लासिफिकेशन है जो ओलिकोसेक्राइड्स में बायलॉजिकली इम्पोर्टेंट देखें तो डाइसेक्राइड्स ये सबसे अहम है सो बायोलॉजिकली दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मोर जो डायसेक्राइड्स होते हैं अमंग द ओलिगोसेकराइड्स डाइसेकराइड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट शुगर्स क्लियर अगर आपको ये पूछा जाए अमंग द ओलिगोसेक्राइड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन और बायोलॉजिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट डायसेक्राइड टाइसेकराइड टेटरासक्राइड और पेंटासेक्राइड सो द आंसर विल बी द डायसेक्राइड्स क्लियर अब इनका जनरल फार्मूला याद रखना आपने डाय का C12, H22 एंड O11, इलेवन क्लियर ये आपने जर्न फार्मूला याद रखना है दिस इज जर्न फार्मूला फॉर डाय क्लियर अब आते थोड़ा सा अब डायसेक्राइट चूंकि बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट जो डाय ही हैं हमारे पास तो हम इसी को आगे लेकर के चलेंगे भी तो ये डाय के हवाले से मजीद बाकी हम जितना भी पढ़ेंगे इस इस, इस पेज के ऊपर वो इसी से रिलेटेड होगा तो पहली चीज मोस्ट फेमिलियर डायसेक्राइड फेमिलियर समझते हैं जिससे हम मानूस हों तो वैसे तो डाई हम जो पढ़ने वाले हैं वो तीन इंपॉर्टेंट डायसेक्लाइट्स हैं सुकरोस एंड माल्टोस एंड द लेक्टोज ठीक है लेकिन इनमें जो हम सब जिससे ज़्यादा फैमिलियर हैं जो हम आमतौर पर रूटीन में भी इस्तेमाल करते हैं आपकी जो स्वीट्स हैं वो इसके बगैर नहीं बनती आपकी चाय वो इसके बगैर नहीं बनती और आपके किसी भी तरह की मिठाई वो इनके बगैर नहीं बनती दैट इज़ द सु्रोज सो मोस्ट फेमिलियर इट इज़ द लाइन ऑफ द बुक ठीक है मोस्ट ये वर्ड आपने अंडरलाइन करना मोस्ट फेमिलियर डायसेक्राइड इज सुक्रोज वैसे तो लैक्टोज भी है माल्टोज भी है लेकिन मोस्ट फेमिलियर कौन सी होगी सुक्रोज सुक्रोज का कॉमन नेम आपने याद रखना है इसको केन शुगर भी कहते हैं इसको टेबल शुगर भी कहते हैं मतलब चीनी सादा लफ्सों में चीनी जो हम इस्तेमाल करते हैं चीनी इसको कहा जाता है उर्दू हमारी मदर लैंग्वेज में चीनी कहा जाता है या इसको टेबल शुगर कहते हैं तो ये स्वीटनर के तौर पर इस्तेमाल होती है ठीक है मिठाई के लिए किसी भी तरह की मिठास के लिए क्लियर तो मिठास से याद आया सुक्रोज तो ये बहुत मतलब कि स्वीट होती है इन टेस्ट तो इंसान को ज़ुबान का भी मीठा होना चाहिए ठीक है हमारे नबी पाक वसल्लम उनका जो उनकी जो सबसे बड़ी सुनत ये थी कि उनकी जो इखलाक था वो सबसे आला था तो वो इंसान की जो जुबान होती है वो उसकी जो मिठास है उसके जो अल्फाज जो होते हैं दैट इज़ दैट मैटर्स तो ये मिठास से याद आया ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसपोर्ट डाइज इसी सुक्रोज के हवाले से बात हो रही है सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं है स्टूडेंट्स आपने चैप्टर चे, नंबर फोर्टीन याद होगा फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था और उसमें द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड आपने पढ़ा था तो वहां पर आपको याद है कि जब वो प्लांट्स फोडोसेंसिस के जरिए क्या बनाते हैं ग्लूकोज और जब वो उसको इस्तेमाल कर चुके होते हैं जो उनको जरूरत होती है एनर्जी के लिए ग्लूकोज को रेस्पायरेशन के जरिए अब जो बच जाती थी क्या करते थे उसका स्टूडेंट्स यस यस यू आर राइट तो वो फ्रुक्टोज के साथ मिलकर के क्या बनाती थी सुक्रोज अब सुक्रोज जो है ये एज अ फूड एज अ फूड ये ट्रांसपोर्ट होती थी याद होगा आपको फॉर लीफ से लीफ के अंदर आके वो आ, वहां से उनके प्लास्मोडेस्मेटा से होते हुए फिर वहां से कंपेनियन सेल्स कंपेनियन सेल्स से सीव ट्यूब्स और वहां से फिर जब सीव ट्यूब्स के अंदर की कंसनेशन हाई होती थी तो साथ ही पड़े हुए जो जाइलम है वहां से वाटर जो है वो मूव करके फ्लोइम के अंदर आ जाता था सो क्रिएटिंग अ हाइड्रोसोनिक प्रेशर ऑल ऑफ यू ठीक है आपको याद होगा सो so, उसी वजह से याद रखना है ये इट इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस हमने पढ़ा है सो दैट इज अ ट्रांसपोर्ट याद रखना है इन प्लांट्स प्रिपेयर्ड फूड ट्रांसपोर्टेड इन सुक्रोज फॉर्म याद रखना है मैंने आपको सारी कहानी सुना भी दी याद भी करवा दी क्लियर तो अब हम बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन के हवाले से कि ये बनती कैसे है सुक्रोज डियर स्टूडेंट्स सुक्रोज के हवाले से याद रखें चूंकि एक डायसेक्राइड है एंड यू नो वेरी वेल इट इज फॉर इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रसिज जाने वाले हैं क्योंकि हम इनके हैवर्स प्रोजेक्शन पढ़ चुके हैं इन इनकी स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं तो इट इज फॉर्म्ड बिटवीन एल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज के हवाले से आपको पहले भी बता चुका हूँ ये कीटो शुगर है जबकि ग्लूकोज हुआ है ये एल्डो शुगर है अब दोस्तों एक चीज हम यहाँ पर इनके रिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा कर लें फिर उसके बाद हम चूंकि ये जब भी दो मोनोसेक्लाइड्स आपस में मिलेंगी तो क्या बनेगा एंड ग्लाइकोसेटिक लिंकेज और ग्लाइकोसेटिक लिंकेज कैसे बनेगा इट्स इट्स बेसिकली कोवलेंट पॉन्ड ठीक है इट्स अ कोवेंट पॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू मोनोसेक्लाइड्स जिसमें एक जो शुगर है उसका फ्री ओ और दूसरी का जो फ्री ओ है आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद वहाँ से वाटर रिमूव होता है और कार्बन एक शुगर की कार्बन और दूसरी शुगर की जो कार्बन देखिए लिंक वाई ऑक्सीजन सो दैट इज कॉल्ड एस द गाइकोसेटिक लिंकेज उसी को ड्रा भी करते हैं सो लेट स्टार्ट So this is the glucose ring. So carbon number one, H and OH. Carbon number two, H and OH. Carbon number three, OH and H. Carbon number four, OH and H. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एल्फा डी ग्लूकोज एल्फा क्यों क्योंकि आपको बताया था कि कार्बन नंबर वन दिस इज़ कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो कार्बन नंबर वन पे अगर ओ एच ग्रुप नीचे हो तो ये अल्फ़ा शुगर और अगर ये ऊपर वाली साइड पे हो तो बीटा शुगर कहलाती है क्लियर अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉप करेंगे Uh, बीच आर टी फ्रुक्टोज का और याद रखिए ये फ, जो लाइक राइबोस राइबोस फाइव कॉर्नर स्ट्रक्चर बना रही थी जिसको हमने कहा था राइबो फ्यूरोनोस रिंग हावथ प्रोजेक्शन में इसी तरह से फ्रुक्टोस भी फाइव कॉर्नड स्ट्रक्चर बनाती है यानी कि फ्यूरानोज रिंग बनाती है हालांकि ये सिक्स कार्बन शुगर है तो मैंने तब भी आपसे ये बात की थी कि यहाँ पर जो फाइव कॉर्नड और सिक्स कॉर्नड स्ट्रक्चर बनते हैं रिंग स्ट्रक्चर बनता है ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा मतलब हम इसको इसलिए नहीं कह रहे कि छः कार्बन वाली है तो वो सिक्स कॉर्नर बनाएगी और फाइव कार्बन वाली है तो वो फाइव कार्बन स्ट्रक्शन बनाएगी सो दैट इज नॉट नेचुरली यहाँ पर थोड़ी सी वेरिएशन है ग्लूकोज चूंकि सिक्स कार्बन है तो ये सिक्स कार्बन बना लेती है ठीक है इसमें कार्बन छः होने के रीजन नहीं है कि इस वजह से जैसे कि अब हम फ्रुक्टोज का भी स्ट्रक्चर ट्रॉक करेंगे तो फ्रुक्टोज हालांकि सिक्स कार्बन है ये, ये भी मेकसूस है हमने पढ़ा है ये होमोनोसक्राइट्स में लेकिन ये सिक्स कॉनर स्ट्रक्चर नहीं बनाती बल्कि फाइव स्ट्रक्चर यानी कि फ्यूरानोस रिंग बनाएगी सो हाउ इट फॉर्म्स H, H, OH, OH, and H, H, एच एच सी एच टू ओ एच सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोस और फ्रुक्टो क्या होगा यहां पर देखिएगा लिसन वेरी केयरफुली चले पहले इसी कार्बन नंबर निकालें कार्बन नंबर वन कार्बन नंबर टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स क्लियर तो कार्बन नंबर वन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज ये कार्बन नंबर वन है इसके पास फ्री ओ एच ग्रुप है और इसी तरह से कार्बन नंबर टू जो इसकी फ्रुक्टोज की है अब स्टूडेंट्स आपको पता है ना कि ओपन चेन स्ट्रक्चर में आ, जो फ्रुक्टोज है उसकी कार्बन नंबर टू जो है एक्चुअली वो ही वो कीटो ग्रुप वाली है क्लियर तो इस वजह से जो फ्री ओ ग्रुप बनेगा जब ये रिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो कार्बन नंबर टू क्लियर ग्लूकोज कार्बन नंबर के पास फ्री ओ ओएच ग्रुप मौजूद है तो यहां पर इसका OH रिमूव so होगा रिमूव हुआ एंड नाउ रिमेन्स ओनली ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन जो है इट टू शुगर्स सो so, CO bond, बॉन्ड bond. So this सो दिस इज कॉल्ड linkage. And now नाउ resulting रिजल्टिंग uh, नाउ no, पहले ये अलग अलग है सिंगल सिंगल मोनोसक्राइसिंग अब ये आपस में ज्वाइन हो चुकी हैं केमिकली लिंक हो चुकी हैं बाय ग्लाइकोसिटिक लिंकेज सो दिस इज नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज क्लियर अब यहाँ पर जो ग्लाइकोसेटिक लिंकेज बना है वो कहाँ पर बना है कार्बन नंबर वन एंड कार्बन नंबर टू क्लियर तो याद रखिएगा सुक्रोज के अंदर देर इज एल्फा वन टू ज ऑल्सो कॉल बॉन्ड बॉन्ड भी इसको कहते हैं फिर तो यह आपको याद रखना है सुक्रोज के वाले से अब आई इस तरह माल्टोज पे दूसरी डायसेक्राइडक और रिगार्डिंग दिससेक्राइड सो माल्टोज इसको मॉल्ट शुगर भी कहते हैं मॉल्ट शुगर इट इज इंटरमीडिएट डायसेक्राइड इट इज इंटरमीडिएट डायसेक्राइड प्रोड्यूसड ड्यूरिंग दो चकों पर प्रोड्यूस होती है एज ए इंटरमीडिएट एक स्टार्च की हाइड्रोलिस जब होती है तो स्टार्च के ऊपर जब एक्ट करता है माल्ट एमाइलेज तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है द माल्टोज और इसी तरह से ग्लाइकोजिन जब ये भी टूटेगा तो ये क्या बनाएगा इट विल प्रोड्यूस माल्टोस क्लियर तो दोनों की ही हाइड्रोलिसिस से इंटरमीडिएट जो डायसिक्राइट बनेगी दैट इज माल्टोस अब इसकी जब माल्टोज की हाइड्रोलिसिस होगी इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज तो तब क्या इससे बनेगा दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्लियर सो इट इज जनरली फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड्स इन बॉर्डर एम सी क्यू या आमतौर पर जर्मिनेटिंग सीड्स में पाई जाती है और इन्हीं जर्मिनेटिंग सीड्स को फिर इस्तेमाल किया जाता है मॉल्ट बनाने के लिए ठीक है जो मॉल्ट पीती है ना ये थोड़ी सी इसमें एल्कोहलिक कॉन्टेंट होता है मॉल्ट बिवरेजिस ठीक है ये तो लाइकर जो होता है जिसको हम बोल सकते हैं तो ये इसी तरह से बनता है कि जो जिर्मेटिंग uh, सीड्स होती हैं उनके अंदर चूँकि ये माल्टोज मौजूद है तो उन्हीं को फिर बाद में फर्मेंट करवा कर उससे जो ड्रिंक बनवाई जाती है उससे जो लाइकर बनवाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज माल्ट ठीक है इसी की वजह से इसको कहते हैं माल्ट शुगर क्लियर और माल्टोस के हवाले से याद रखिएगा कि माल्टोस हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर बनती है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन एक तो हमारे माउथ के अंदर जब भी हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च हम खाते हैं आगे चलकर डिस्कस मैं भी करूंगा इसी लेक्चर के अंदर तो स्टार्च जब uh, उसकी हाइड्रोलिसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ इमाइलेज सिलाइबरी इमाइलेज यहाँ से सिक्रिट होगा सिलाइबरी इमाइलेज वो uh, क्या करेगा स्टार्च को उसका प्रिटोन करके किस में कन्वर्ट करेगा माल्टोस में एक तो हमारे यहाँ पर बन रही ठीक है इन द ओरल कैविटी और दूसरा जी डी स्टूडेंट्स कहाँ पर बन रही है इन द यस इन द दिओडेन जब पेनिक्रियाज पेनिक्रियाज से पेनिक्रियाटिक जूस आता है तो पेनिक्रियाटिक जूस में सिक्रिट होता है आ, वो जो हैं उसके पेनिक्रेटिक पेनिक्रेटिक इमाइलेज पेनिक्रेटिक लाइपेज एंड, एंड ट्रिपसिनोचन ठीक है तो पेनिक्रेटिक इमाइलेज यहाँ पर प्रोड्यूस पेनक्रे, हो रहा है सिलेवरी इमालेज वहाँ पर प्रोड्यूस पेनिक्रेटिक जूस जा रहा है पेनिक्रेटिक इमाइलेज तो पेनिक्रेटिक इमाइलेज भी जब स्टार्च को प्रेक्ट करता है तो उसको कन्वर्ट कर देता है इंटू माल्टोज तो दो जगहों पर ये बन रही है माल्टोज ये हमने चैप्टर नंबर ट्वेल्व आपने आपको याद होगा फर्स्ट में पढ़ा था तो उससे रिलेटेड मैं उसको कोरिलेट रिलेट कि माइटोज हमारी बॉडी में कहां, कहां पर मौजूद है सो ड्यूरिंग द डायशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द ओरल कैविटी एंड इन द जोटिटम क्लियर एंड इन द जोटिटम अब आइए इसकी फॉर्मेशन के हवाले से बात करते हैं तो फॉर्मेशन इट इज फॉर्म्ड व्हेन अल्फा डी ग्लूकोज रिएक्ट्स विद अनदर अल्फा डी ग्लूकोज अच्छा कुछ इंटरेस्टिंग बात बताता चलो जो डी का वर्ड हम यूज कर रहे हैं हमने इससे प्रीवियसली हमने बात की कि डी हम राइट हैंडेड शुगर्स को कहते हैं एल वो होती हैं जो लेफ्ट हैंड शुगर्स होती हैं लेकिन डी और एल का एक और माने भी है एक और माने भी है डी इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी इट इज फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी तो इसका डी और लीवो रोटेटरी रोटेट्री और इसका एल तो डी एल ये कॉन्सेप्ट भी है इन डी शुगर्स और एल शुगर्स का डेक्स्ट्रो रोटेटरी उस शुगर को कहेंगे जब उसमें से प्लेन पोलराइज लाइट को पास करें तो उसको डाइवर्ट करते टर्ड्स सा अ राइट साइड टूवर्ड्स सा आ राइट तो उसे कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेट्री शुगर लीवर रोटेट्री ये जो प्लेन पोलराइज लाइट जो होती है लाइट तो उसको अगर वो रोटेट कर दे टर्ड्स लेफ्ट तो उसे कहेंगे लीवर रोटेटेड शुगर तो यहां पर ये डी और एल का कॉन्सेप्ट भी है ये वाला भी कॉन्सेप्ट है और एक डी और एक एल का राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड एक कॉन्सेप्ट हमारा एल्फा और पीछा वाला ठीक है एक अभी एक और एक नया और कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं रिगार्डिंग द शुगर्स सो बात मिस ना हो जाए रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स मैं इसको पॉइंटर लिख लेता हूं हम बाद में डिस्कस करते हैं पहले इसकी फॉर्मेशन के हवाले से बात हम बात कर लें तो जहां तक बात है इसकी माल्टोस की फॉर्मेशन की सोहेडिस इज पायरानोस सी एच टू ओ एच सी एच ऑक्सीजन कार्बन 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 ठीक तो ये फर्स्ट कार्बन एच ओ OH. एच ओ OH एच नीचे रखा क्योंकि अल्फा शुगर है कार्बन नंबर टू एच ओ एच कार्बन नंबर थ्री आपको याद होगा यहाँ पर uh, जो हमने उसकी फिशर प्रोजेक्शन यानी कि ओपन यानी लीनियर स्ट्रक्चर देखा था तो कार्बन नंबर थ्री पे वो ओ एच ग्रुप लेफ्ट साइड पे था तो यहाँ पर चूंकि uh, जो राइट uh, साइड right वाले होते हैं वो रिंग से बाहर होते हैं ओ OH, एच और जो लेफ्ट साइड वाले थे वो रिंग के अंदर तो कार्बन नंबर थ्री पे जो ओ OH एच था वो लेफ्ट साइड पर था इसलिए उसको रिंग के अंदर शामिल करेंगे एच एंड ओ एच एंड एच सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्फा डी ग्लूकोज ठीक है या इसको हम कहते हैं ग्लूको पायरानोज पायरानोज क्यों कि सिक्स कॉन्डर्ड जो रिंग स्ट्रक्चर बनता है हावर्थ प्रोजेक्शन बनती है उसको हम यही नाम देते हैं अब दूसरा एक और हेर कार्बन, एच एंड ओ एच कार्बन कार्बन एंड कार्बन कार्बन oxygen and carbon so this is carbon number one h oh h oh, OH and h h and c h 2 oh okay i'm going to carbon number 1 2 3 4 5 6 carbon number one, two, three, four, five, six. 2 3 4 फाइव एंड सिक्स क्लियर सो दिस इज आल्सो अल्फा डी ग्लूकोज और ग्लूको क्लियर सर अब रिसोर्स क्या है कि यहां पर कार्बन नंबर फोर पे फ्री ओएच है कार्बन नंबर वन ऑफ ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज और ये भी अल्फा ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज इसकी कार्बन नंबर वन पे फ्री ओएच मौजूद है और इसकी कार्बन नंबर फोर पे ओ एच फ्री मौजूद है तो यहां से एच दो हाइड्रोजन एंड ओ एच रिमूव बाकी क्या बच गया? एक ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन को हम करने लगे हैं लिंक विथ दिस कार्बन सो हेयर वी गो ऑक्सीजन गेटिंग लिंक तो यहां पर कौन कौन सी कार्बन के कहते बना? कार्बन नंबर वन एंड कार्बन नंबर फोर क्लियर सो दिस इज कॉल्ड एस एल्फा वन फोर ग्लाइकोसिटिक लिंकेज ठीक एल्फा वन फोर लिंकेज एंड द रिजल्टिंग कंपाउंड नाउ इज कॉल्ड टमालोस स्मॉल टॉस तो जब ये टूटेगा अब साथ में प्लस लिख लें प्लस वाटर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने से दो जब दो चीज़ें जुड़ती हैं तो इसका एक और नाम भी दिया जाता है याद रखिएगा या तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन लेकिन कंडेंसेशन रिएक्शन को हम याद आपको फर्स्ट लेक्चर इसका टॉपिक का इसको हम डीहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं डीहाइड्रेशन सिंथेसिस डिहाइड्रेशन का मतलब क्योंकि वाटर रिमूव हो रहा है सिंथेसिस का मतलब क्योंकि यहां पर बॉन्ड बन रहा है याद होगा आपको तो दिस दिस हाउ फॉर्म। अब आज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स पे तो रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स तो ऐसी शुगर्स जिनके पास है फ्री एल्डिहाइड और कीटोन उसे कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर ये क्या कर रही है कि ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो है लेकिन दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस कर देती है इसलिए इनको कहा जाता है रिड्यूसिंग शुगर जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स ऐसा नहीं कर सकती तो इंपॉर्ट एमसी को आपको बता कर लोग प्लीज ऑल मोनोसेक्राइड्स ऑल ऑल मीन्स ऑल ऑल मोनोसेक्राइड्स जितनी भी मोनोसेक्राइड्स हैं आर रिड्यूसिंग शुगर्स और जहां तक बात करें डायसेक्राइड्स में तो माल्टोस और दूसरी लैक्टोज ये भी रिड्यूसिंग है सिर्फ नॉन रिड्यूसिंग में याद रखिए सुक्रोज द सुक्रोज क्लियर तो याद रखिएगा सुक्रोज इज नॉन रिड्यूस फ्रेंड्स अबाउट द लैक्टोज द थर्ड बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट डायसेक लैक्टोज या इसका कॉमन नेम मिल्क शुगर इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं और स्टूडेंट्स यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा आपको इसके वाले से मिल्क शुगर के हवाले से या जिसको हम लैक्टोज बोलते हैं इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन जंक मैमल्स छोटे बच्चे नव المولود बच्चे उन वो आमतौर पर अपनी मदर के जो मिल्क होता है मदर का मिल्क जो होता है उस पर फीड करते हैं और उनके जो मदर मिल्क के अंदर जो शुगर पाई जाती है दैट इज़ लैक्टोज़ क्लियर तो इस वजह से जो यंग मेमल्स हैं मैमल्स और ऐसे एनिमल्स जिन जिनकी माएँ अपने पैदा होने वाले बच्चों को अपने ब्रेस्ट मिल्क पे फीड कराएं उनको हम मेमल्स कहते हैं आगे चलकर डिस्कस भी होगा इस हवाले से, से तो जितने भी यंग मैमल्स हैं आमतौर पर उनके लिए जो एनर्जी सोर्स है वो लैक्टोज है एक तो इसके हवाले से इंपॉर्टेंस होगी मिल्क शुगर यानी कि लैक्टोज अब बात करते हैं कि इसकी फॉर्मेशन के हवाले से हाउ इट इज़ फॉम्ड इट so इज फॉर्म्ड बाय चूंकि डायसेक्राइट है मतलब कि दो से बनी है तो वो दो मोनोसेक्राइट कौन सी है? बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज इन दोनों से मिलकर बनती है लैक्टोज तो चलिए इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं फिर आगे मूव करेंगे पहले ट्रॉ करूंगा मैं बीटा डी ग्लूकोज का बीटा गलेक्टोज का स्ट्रक्चर तो डिफरेंस तो ग्लूकोज और गलेक्टोज में सिर्फ एक फर्क याद रखिएगा कि ग्लूकोज में कार्बन नंबर थ्री पे आपने देखा था कि जो ओ ग्रुप है वो लेफ्ट साइड पे होता है यानी अगर हम रिंग स्ट्रक्चर की बात करें हावर्थ प्रोजेक्शन की बात करें तो वो रिंग के अंदर वाली साइड पे। सिर्फ एक डिफरेंस है जिसकी वजह से ग्लूकोज है वो गलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाती है इट इज़ ऑल्सो एन एल्डोज शुगर हैक्सोज है कार्बन नंबर फोर पे जो ओ ग्रुप होता है वो अपर साइड पर चले जाता है ठीक है ऊपर वाले साइड पर तो अगर ओ ग्रुप कार्बन नंबर फोर पे ऊपर चला जाए यानी कि वो लेफ्ट साइड पे आ जाए अगर हम लीनियर प्रोजेक्शन देखें उसमें यानी कि फिशर प्रोजेक्शन में देखें उस पर कार्बन नंबर फोर पे ओ एच ग्रुप लेफ्ट साइड पे चला जाए तो दैट बिकम्स द गलेक्टोज तो हम बात करेंगे बीटा गलेक्टोज की तो बीटा शुगर कौन सी होती है जिसमें कार्बन नंबर वन पे ओ एच ग्रुप अपर डायरेक्शन में हो ऊपर वाली साइड पर हो अपवर्ड्स हो सो ओ एच ग्रुप इज़ अपवर्ड्स सी एच ओ एच बाकी सारा स्ट्रक्चर वही है ग्लूकोज का देख ले आप देख सकते हैं ठीक है एंड तीसरे कार्बन पर उसी तरह से ओ एच OH अंदर और एच बाहर यहाँ पर ग्लूकोज में क्या था कि कार्बन नंबर फोर पे ओ uh, एच OH नीचे और एच ऊपर था लेकिन यहाँ पर ओ OH एच ऊपर और एच नीचे ये डिफरेंस है ग्लूकोज और गैलेक्टोज का बाकी सेम टू सेम एज इट इज स्ट्रक्चर है सी एच टू ओ एच ठीक सो इसकी कार्बन नंबरिंग कर लेते हैं पहले सो दिस इज कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा गैलेक्टोज ठीक अब हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर ग्लूकोज का बीटा ग्लूकोज का तो सेम एज इट इज बनाने वाले हैं सो दिस इज बीटा गैलेक्टोज अब हम ड्रॉ करने वाले हैं बीटा ग्लूकोज का सो दिस इज कार्बन नंबर फोर एच ओ एच कार्बन नंबर फाइव ऑक्सीजन कार्बन 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 एंड कार्बन ठीक सो दिस इज़ कार्बन नंबर सिक्स सी एच टू ओ एच एच तीसरे कार्बन पे ओ एच इनसाइड एच आउट साइड एच इन साइड ओ एच आउटसाइड चूंकि सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स so अब इनको दोनों को कंपेयर करें कार्बन नंबर वन सेम टू सेम कार्बन नंबर टू सेम टू सेम कार्बन नंबर थ्री सेम टू सेम कार्बन नंबर फाइव सेम टू सेम कार्बन नंबर सिक्स सेम टू सेम सिर्फ कहां पर डिफरेंस है कार्बन नंबर फोर पे ग्लूकोज के अंदर कार्बन नंबर फोर पे एच ऊपर और ओ एच नीचे वाली साइड पे जबकि गैलेक्टोज में ओ एच ऊपर और एच नीचे वाले साइड पे दैट्स द डिफरेंस जस्ट वन सो दिस इज बीटा डी ग्लूकोज अब इन दोनों के दरम्या बनेगा ग्लाइकोसिटिक लिंकेज अब वो कैसे बनेगा यहाँ से देखिएगा सो so यहाँ से एच टू ओ एच एच ठीक है तो बाकी क्या बच गया एक ओ तो so इस ओ के जरिए ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन आपस में होगी लिंक सो दिस इज हाउ ऑक्सीजन एंड दिस वन सो दिस इज कॉल्ड एस ग्लाइकोसिटिक लिंकेज कौन सा है दिस इज बीटा कार्बन नंबर वन एंड कार्बन नंबर फोर बीटा वन फोर ग्लाइकोसिटिक लिंकेज ठीक है और नाउ जो पहले गैलेक्टोज था यह ग्लूकोज था अब ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में लिंक हो चुके हैं

और अल्फा वन टू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये किसके दरमियान है डियर स्टूडेंट्स इट इज प्रेजेंट बिटवीन द सुक्रोज क्लियर तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है